और वहां पे भाई एकदम से न्यूज आई कि किसी ने बॉम्ब लगा दिया, तो पुलिस वालों ने भाई सबको फटाफट से भगाया, खाली कर दिया पूरा एरिया भगा के। और यार इस सिटी में ना पार्किंग का बहुत ज्यादा झमेल है। लो भाई देखो एटीएम भी जो है ना वो टेलीफोन बूथ की तरह बना रखा है, तो बढ़िया मिल गया। ऐसे हम यूके एंटर हुए ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसे फर्राटे से एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, बताओ। तो देख लो भाई कुछ इस तरह का इनका करेंसी नोट है, 10 पाउंड का लिखा हुआ है 10 पाउंड। बट इनके नोट का जो ये पेपर है ना भाई, इसका अलग से टेक्सचर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का हो। भाई साहब कितना ऊंचा ऊंचा सा फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होके, देखना पूरी सिटी नीचे दिख रही है ऐसे। चलो यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर चुपके से लगा लूंगा। यहाँ भी मूवी चला रखी है, दिखा रहे हैं कि लड़कियां नहाती थी उस टाइम पे यहाँ पे। अपना जो ब्रांड न्यू ड्रोन है ना वो अनबॉक्सिंग के लिए रेडी है, क्योंकि वैट रिफंड का जो भी प्रोसीजर था वो मैंने यूके फ्रांस बॉर्डर पे कर लिया था। तो इसलिए 4-5 दिन से भाई मैं खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी पॉलिसी है वैट रिफंड जब ही होगा जब आप पेटी पैक डब्बा है ना बॉर्डर से बाहर ले जाओगे, मतलब यूज नहीं करना खोल के। तो अब सारा काम हो चुका है तो मैं इसको अनबॉक्स कर सकता हूँ। जिनको नहीं पता भाई बता दूं, मैंने इटली से, इटली की एक सिटी है मिलान, वहां से डीजीआई के स्टोर से लिया था ये डीजीआई का Mini 3 Pro विद फ्लाई मोर कॉम्बो। इसमें क्या है अपना मस्त प्रोपेलर्स, बैटरी वगैरह एक्स्ट्रा मिलती है। और मैंने जो ड्रोन लिया ना भाई ये स्मार्ट कंट्रोलर के साथ आता है, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे ना इसके साथ अपना मोबाइल अटैच करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट इसमें स्क्रीन दे रखी, तो सबसे बढ़िया चीज है। मेरे पास पहले मैविक एयर था, उसमें भाई अपना फोन लगाओ बड़े झंझट होते थे, तार कनेक्ट करो, इसमें कुछ नहीं है, अपना जो है सीधा कंट्रोलर में ही मिल जाएगा। इसी के साथ भाई एक मैंने ये DJI का Osmo 6 Gimbal लिया। अब जो आने वाले व्लॉग्स होंगे ना, आज का नहीं इससे अगला, उसमें क्या है इससे सिनेमैटिक शॉट्स लूंगा जितनी भी हम सिटी में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल हम विलेजेस में जाने वाले हैं इंग्लैंड के, तो वहां पे ये गिम्बल बहुत काम आएगा, मस्त मस्त ऐसे स्मूथ शॉट्स आएंगे। ये कुछ मुझे 159 यूरोस का पड़ा था, यानी कि अराउंड 16,000 रुपए, और ड्रोन था 1096 यूरोस का, यानी कि 110,000 रुपए। फिर मेरे को 150 यूरो का रिफंड भी मिलेगा, जो अभी तक मिला नहीं है, बट हो गया प्रोसेस पूरा, 15,000 वापस आ जाएंगे। अब देख लो जो भी है, इंडिया में मुझे नहीं पता कितने का चल रहा है इस वक्त। अभी इसको ना अनबॉक्स नहीं करता भाई, पहले सिटी एक्सप्लोर कर लेता हूँ जाके, फिर शाम को आके अनबॉक्स करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, 5-6 घंटे में निपट जाएगा सब कुछ। और इसको अगर अभी अनबॉक्स कर दिया तो फिर मैं इसी में लगा रहूंगा कि सेटिंग वेटिंग करने में कैसे क्या है, तो इसलिए पहले सिटी को एक्सप्लोर कर जाते हैं और आके फिर करेंगे इसका काम। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 12 अगस्त 2023, मैं हूं अभी इंग्लैंड के एक खूबसूरत शहर बाथ में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हमने 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल किया है एंड 25,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलाने वाले हैं। लंदन हमारी इस ट्रिप की फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है, जो यहाँ से बहुत पास है, बट हम ऊपर जाएंगे स्कॉटलैंड वगैरह। लास्ट व्लॉग देख लेना, पूरी आइटनरी समझाई है यूके की रोड ट्रिप हम कैसे कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। बाकी नए हो यार चैनल पे तो सब्सक्राइब मार देना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, 60,000 का लाइक हम रखा है। अपने रूम की जो खिड़की है भाई कुछ इस तरह का नजारा आता है बाहर, देख लो कैसी बिल्डिंग्स है, और बारिश आ रही है हल्की हल्की, बट ये रुक जाएगी, इतनी तेज नहीं है। बाकी छाता है ही अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये रूम लिया था भाई हमने कल, 2 सिंगल बेड थे, मतलब रूम तो अच्छा है, खैर नो डाउट वॉशरूम भी काफी बड़ा है, बट भाई साहब 20,000 रुपए पर नाइट पड़ा है हमें ये रूम, यानी कि 2 रातों का 40,000 समथिंग की ट्रांजेक्शन हुई है। बस इसमें पार्किंग इंक्लूड थी, बट बहुत महंगा भाई ये, क्योंकि ना छोटी सी सिटी है और बहुत पॉपुलर सिटी है, खूबसूरत भी सिटी है साथ ही में लंदन इसकी, इंग्लैंड की, तो इसलिए काफी टूरिस्ट यहाँ पे आता है, तो होटल एंड मोमेंट पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि है ही 3-4 गिनती के अच्छे होटल और वो भी फुल रहते हैं, तो रेट समझ ही सकते हो आप कितना हाई रहेंगे। ये देखो भाई होटल से निकलते ही ऐसे पूरा ना हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही है, एंड ये अपना होटल है, नाम भी देख लो लैंसडाउन ग्रूव होटल। इंडिया में तो प्रॉपर एक सिटी है लैंसडाउन के नाम से, है ना, मैं गया भी हूँ वहाँ पे। वैसे तो होटल की ना अपनी खुद की भी पार्किंग है ये, बट ये कल रात को पूरी फुल पड़ी थी तो हमें जगह नहीं मिली, बट बिल्कुल सामने इन्होंने ना इस पार्किंग में भी 2-3 स्पॉट्स ले रखे हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये देखो सारी लगी हुई है लाइन से, तो एक ही जगह खाली थी कल ये रही, अब ये हमें मिल गई थी। फिर क्योंकि सैटरडे है आज, तो भाई वीकेंड में यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं, और ये पेड़ पे से बारिश गिर रही है, वैसे तो रुकी गई है, खैर तो फटाफट चलते हैं सिटी सेंटर पे। और वहां से भाई आज मैंने बुक करवाई है होप ऑन होप ऑफ बस की टिकट, मैंने आपको कई बार दिखाया अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिटीज में, बट ट्राई नहीं करी, तो मैंने कहा यार बनता है यार ट्राई करना ना, कि देखे तो कैसी सर्विस होती है, क्या होता है, पूरा सिटी टूर करवाती है, कितनी बार चढ़ते हैं उतरते हैं, कहाँ से मिलती है, कितने मिनट में आती है, वो सारी डिटेल आज आपको अच्छे से समझाऊंगा और खुद भी एक्सपीरियंस करूंगा। यहाँ के घर देखो भाई सब कैसे बने हुए, प्रॉपर भाई वो लैंसडाउन वाली ही फील आ रही है, और या फिर आप सोच लो मनाली कसोल वाली। और यार रूम में पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर आके तो ठंड लग रही है, मैं हाफ टी शर्ट पहने आया, बताओ अभी तो दोपहर हो रही है, दोपहर भी क्या 12:30-1 बजे है, शाम तक तो चिलचिलाहट सी मच जाएगी ठंड में। देखो यहाँ का बस स्टॉप है, यहाँ पे बस रुकती है अगर आपको बस में जाना है तो, बट यहाँ से पैदल पैदल ही है जो इनका सिटी सेंटर है ना।
अराउंड 1 किलोमीटर। फिर यार बारिश शुरू हो ही गई, छाता निकालना पड़ेगा मुझे। देखो मस्त है, छोटी सी ना ऐसे फोल्ड होके बैग में आ जाती है। और यार एक बात बताना अगर किसी को पता हो कि ये छाता होता है या छतरी होता है, मतलब मेल है या फीमेल। कुछ लोग छाता बोलते हैं, कुछ लोग छतरी बोलते हैं। अभी तक हम जितने भी देश में थे ना, वहाँ पे लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती थी, बट भाई जैसे ही हम यूके एंटर हुए ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसे फर्राटे से एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। बताओ, वही है क्योंकि यहाँ पे इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो सबको ऑलमोस्ट आती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हर देश में जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स होती है ना, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, उन सबको तो इंग्लिश आती है इतनी वो कि आप मतलब बातचीत कर पाओगे। भाई ये नज़ारा देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है भाई। सिटी ही एकदम सुंदर है, मज़ेदार सी। और अभी सिटी का नाम बात क्यों पड़ा वो मैं सब आपको बताऊंगा पूरा, एक बार सिटी सेंटर पहुंच जाऊं जरा। चलो भाई बारिश भी रुक गई, और वॉक करते करते मैं इस वाली रोड से होता हुआ यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखो भाई साहब, पूरा सिटी सेंटर ही है ये आगे जाके, एंड काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे। तो मतलब चलते चलते ही मैंने 4 देख लिए, करी के नाम से, इंडियन फूड के नाम से, और भी 2 थे। सही है, फिर तो खाना खाने की भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो भाई ATM ढूंढना है, क्योंकि ना कैश निकाल लेना यहाँ पे कभी हो सकता है कि कार्ड चले ना, तो दिक्कत में फंस सकते हैं। जिस भी कंट्री में जाओ ना, हमेशा उस कंट्री का थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए आपके पास कि मुसीबत के टाइम पे काम आ जाए। तो यहाँ की करेंसी पूरे UK में ही भाई पाउंड चलती है, तो अभी निकलवा लेता हूँ जितने पाउंड निकलेंगे, 200-300, फिर चलेंगे। एंड ये है भाई वो होप ऑन होपो बस, टूथ बस करके कंपनी है, इन्हीं की टिकट मैंने बुक करी है। तो चलो पहले कैश निकालते फिर जाएंगे। पता नहीं क्या दिक्कत है यार, जो सिम ली है इतनी बेकार है, चलता ही नहीं है इंटरनेट, 2 डंडे आ रहे और ATM तक नहीं सर्च कर पा रहा। यूरोप की सिम भाई इतनी कमाल की थी ना, क्या बताऊं, बस यहां की इतनी घटिया है। यहीं पे भाई ये सिटी सेंटर में इनका एक चर्च या कैथेड्रल कुछ भी आप कह सकते हो वो है यहां पर। बाकी ये मेरे जस्ट सामने यहां की भाई सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है यहां पे, आप किताबें जाके पढ़ सकते हो। और इसी के राइट साइड में देखोगे तो ये बड़ा सा पोडियम है भाई, यहां पे आपको फूड और शॉपिंग का दुकानें मिल जाएगी। इसी पोडियम की पार्किंग के लिए ना हम रात को भटके थे, क्योंकि हाइट लिमिट थी यहां पे और अपनी स्कॉर्पियो थोड़ी सी ऊंची है, तो अंदर जा ही नहीं पाई। फिर होटल के बाहर ही मिल गई पार्किंग, तो मैंने कहा ठीक है चलो। बाकी इस वाली रोड पे भाई पूरे लाइन से शोरूम बने हुए ये देख सकते हो आप। कंस्ट्रक्शन तो भाई यहाँ भी चल रही है देखो, है ना, इस वाले घर की या होटल जो भी है। तो पहले मैं सोचता था यार इस टाइम पे क्यों कंस्ट्रक्शन चल रही है जब हम आए हुए हैं। तो एक्चुअल में एक फिर हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये सही कह रहा है वो बंदा। एक्चुअल में क्या है, यूरोप में ना ज्यादातर तो सर्दियां ही पड़ती है भाई, और गर्मियों में ही ना काम हो पाता है जो बाहर का होता है। तो हम आए गर्मियों के मौसम में, ऑब्वियसली उन्हीं 2-3 महीने में ही कंस्ट्रक्शन या जो भी रेनोवेशन होगी वो चलेगी। तब जाके मैं समझा, मैंने कहा हाँ मेरी भी दिमाग की बत्ती जागी, सही बात है यार ये तो। और यार इस सिटी में ना पार्किंग का बहुत ज्यादा झमेला है, मतलब है भी ना पार्किंग तो कवर्ड पार्किंग नहीं है, ओपन में ही पार्किंग है या फिर स्ट्रीट पार्किंग है यहाँ पे लगा दो। और जो कवर्ड पार्किंग भी है ना बेसमेंट वाली, वो भाई SUVs के लिए है ही नहीं, आप समझ लो छोटी आपकी सेडान या हैचबैक गाड़ी है ना वही लगा सकते हो, बड़ों के लिए फिर जगह ही नहीं बचती। मतलब जगह क्या, वो इन्होंने वो लगा रखा है ऊपर डंडा सा, जिससे कि गाड़ी घुस ही ना पाए अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा पंगा है यहाँ पे। और जो पार्किंग है भी ना ओपन वाली, वो भी सिर्फ 4 घंटे तक ही है, मतलब आप 4 घंटे ही खड़े कर सकते हो, उसके बाद आपको फिर से निकाल के फिर से लगानी पड़ेगी और पर्ची लेनी पड़ेगी। तो ये अलग लफड़ा है यहाँ पे। तो देखो भाई साहब कितने सारे रेस्टोरेंट और कैफे शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं। लो भाई देखो ATM भी जो है ना वो टेलीफोन बूथ की तरह बना रखा है, तो बढ़िया मिल गया ये, अच्छा है। बस यूरोनेट का नहीं है, वरना तो भैया वो बहुत पैसे काटते हैं फालतू के। लेट्स सी भाई इनकी क्या है ट्रांजैक्शन फी। स्क्रीन तो देखना ऐसी गंदी हो रही है, मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं, बताओ इसमें कब से साफ ही ना हुआ। चलो जी 200 pounds निकाले है टोटल मैंने, अभी रिसिप्ट तो दे दी भाई, कैश भी दो, कर कराते पाउंड आएंगे भाई। क्या भाई अटक गए भाई साहब, निकल ही नहीं रहे। हाँ निकल गए 10-10 के नोट। वाह तो देख लो भाई, कुछ इस तरह का इनका करेंसी नोट है, 10 pound का लिखा हुआ है, 10 pounds और पीछे की साइड
साइड से भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता है। बट इनके नोट का जो ये पेपर है ना भाई, इसका अलग सा ही टेक्सचर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का हो। मतलब थिकनेस वाइज प्लास्टिक नहीं है, बट ऐसा लग रहा है फटेगा नहीं। हाँ देखो ना, प्लास्टिक ही लग रहा है भाई पूरा। टोटल भाई मेरे अकाउंट से 22,400 रुपीज कटे, यानी कि एक पाउंड जो है वो मुझे पड़ गया 112 रुपए का भाई साहब। और ऑफिशियल रेट आप देख सकते हो 105 रुपए का चल रहा है। बट वही है, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह लगते हैं, एटीएम चार्जेस लगते हैं, फिर बैंक भी चार्ज लगाते हैं, करते कुराते हमें 112 रुपए का पड़ रहा है। तो अब आगे जितने भी हम आपको प्राइसेस बताएंगे, सीधा उसको 112 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेना। और अगर कहीं पे हम कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल 108 या 109 रुपए पड़ता है। बट कैश निकालने में थोड़ा सा तो है भाई एक्स्ट्रा सीन। यार फिर बारिश आ गई, सबने छाता निकाल लिया, मैंने रख दिया। बताओ इतनी तेज हवा चल रही थी, मेरा तो छाते की एक डंडी भी टूट गई। बट ठीक है, काम तो कर ही जाएगा। पता है गलती कर दी मैंने आज वो बस की टिकट बुक करके, बताओ, क्योंकि वो ओपन में होती है ऊपर की तरफ से बस। तो अब बारिश में तो क्या ही जाऊंगा यार उसमें, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ। बारिश भाई बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, इसलिए इस वाले कैफे में आ गया मैं। अब कैफे में आया है भाई, तो वोफल भी खा लिए जाए, बड़े दिन हो गए मैंने खाई नहीं। वैसे भाई साहब देखना, इतना बड़ा वोफल सिर्फ 6 पाउंड का, स्ट्रॉबेरीज न्यूटेला और आइसक्रीम के साथ। यहाँ तो बहुत सस्ता है भाई, वहाँ यूरोप में यही सेम चीज 1500-1600 रुपए की मिल रही थी, और यहाँ 600-650 रुपए में मिल गया। मजेदार यार वोफल भाई, टेस्टी था बट साइज बहुत बड़ा था, थोड़ा सा बच ही गया, मतलब खाया नहीं गया। और बारिश भी चलो फाइनली रुक गई है। अब चलते हैं भाई वो बस पे, जरा देखे तो कैसी है सिटी। ये तो सेंटर तो देख लिया, चलो बाहर का थोड़ा सा एरिया देख के आएंगे बस में चढ़ के ना। और दूसरा, यहाँ के रोमन बाथ बहुत फेमस है, उसकी स्टोरी समझाऊंगा मैं आपको। तो उसकी भी टिकट ऑलरेडी बुक कर रखी है, क्योंकि वहाँ भी इजिली मिलती नहीं है। 5:30 बजे का स्लॉट है, तो अभी तो है 3-3.5 घंटे, मजे से पहले बस में घूमते हैं फिर वहाँ जाएंगे। ये ऐप है भाई टूट बस करके, एंड इस तरह का एक ये बार कोड दे दिया इन्होंने जो मुझे वहाँ स्कैन करना है। 2 दिन का पास होता है ये, 2 दिन हम ये बस सर्विस यूज कर सकते हैं। अराउंड 20 पाउंड दिए मैंने, यानी कि 2100 रुपीज। और इसी ऐप में देखो पूरा मैप है कि कहाँ कहाँ पे बस स्टॉप है, कितने सारे है। तो अभी नियरेस्ट मेरे ये है 7 नंबर, जिसका नाम है वेस्ट गेट बिल्डिंग। तो चलो यहाँ चलते हैं। 90 मीटर है सिर्फ, एंड बारिश रुकते ही भाई साहब देख लो वापिस से इतने सारे लोगों की भीड़ जो है वो आ गई है सिटी सेंटर में। इंडियंस भी बहुत आए हुए भाई यहाँ पे घूमने। मुझे लगा ये वाली सिटी जो है ना, बात ये पता नहीं होगी ज्यादा टूरिस्ट को, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया, ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। आई गेस भाई यही वाला बस स्टॉप है, बट ये वाली बस नहीं है। खैर यहाँ से तो बहुत सारी बसेस चलती होगी सिटी के लिए, और ये अलग है, बात ब्रिस्टल करके है अपनी, तो वो आएगी टूट बस। वो भाई नॉर्मल बस स्टॉप था, और ये इन्होंने बना रखा है टूट बस का स्पेशली। और ये देखो मैप में आप देखोगे ना भाई, बसेस भी लाइव आ रही है कि कौन सी बस कहाँ पे खड़ी है। तो अभी शायद से ये वाली बस हमारे पास आई। एंड जितने भी स्टॉप्स है ना भाई, हर 20 मिनट में वहाँ पे बस आ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वेट जो करना पड़ेगा वो 20 मिनट ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये सिटी ना भाई काफी ज्यादा छोटी है, अगर एरिया की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। एंड साथ ही साथ भाई पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग रहते हैं। और ये अंकल देखो कूड़ा उठा रहे हैं जमीन में से, हाथ में स्टिक्स ही ले रखे इन्होंने, और उससे उठा उठा के थैली में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए कर रहे हैं। और लो भाई वापिस से बारिश आ गई। शिट यार, क्या यार, आ रही है रुक रही है, आ रही है रुक रही है, देखना यही चल रहा है। एंड यहाँ पे भाई आप टाइम भी देख सकते हो, 10 बजे से 5 बजे तक चलता है ये टूर। एंड ये जो बस है ना, पूरा चक्कर लगाने में अराउंड 1 घंटा लेती है। तो मतलब आपको अगर 5 बजे वाली पकड़नी है तो वही लास्ट है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए भाई लास्ट बस जो है ना वो 5 बजे है, वही पकड़ लेना, 6 बजे तक टूर आपका खत्म हो जाएगा। लो जी लो, फाइनली आ गई है भाई अपनी भी बस। इस तरह से देख सकते हो भाई, लाल कलर की है, और ऊपर ही बैठूंगा, मजा तो ऊपर ही आएगा ना। हालांकि बारिश आ रही है, बट ठीक है कोई नहीं। और ये टिकट इनको दिखानी है तभी चढ़ना है। ड्राइवर ने पूछा है भाई मेरे से, तभी जो है वो रोका, वरना तो वो चलते जाते अगर कोई यहाँ पे नहीं होता तो। लेट्स गो भाई। What? Have you been on the bus already? No. Okay. So just so you know, if you want the bus to stop, okay, you've got to put your hand out. Ah, okay. Okay. We are not required to stop here. Okay. Okay. So what I'm printing you off of that is not valid. Okay. Okay. So this is a ticket that you show to the driver. Okay. Thank you. लो जी लो, बस में चढ़ गया हूँ। अभी मैं नीचे वाले डेक में ही हूँ। थोड़ी ना बूंदाबांदी आ रही है, जैसी रुक जाएगी फिर वो उन सीढ़ियों से मैं ऊपर चला जाऊंगा। और ये पर्ची सी दी है इन्होंने, कहा है कि जो फोन में बार कोड है ना वो वैलिड नहीं होगा, अब जब भी किसी बस में चढ़ना है तो ये टिकट दिखानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम है भैया, आप देखते हैं कहाँ कहाँ उतरते हैं, या उतरने की जरूरत ना ही पड़े, क्या पता बस में ही पूरा चक्कर काट ले। एंड हाँ, सर ड्राइवर ने ना एक बात बोली है कि हम ना ऐसे रोकते नहीं है, बस अगर आपको रुकवाना है ना बस को तो हाथ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगले स्टॉप पे अगर कहीं उतरा मैं और रुकवानी पड़ी तो फिर ऐसे रुकवाऊंगा, मतलब बाहर। एंड इस तरह के भाई ये ऑडियो डिवाइसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, बट मुझे ईयरफोन लेने पड़ेंगे शायद ड्राइवर से। ये देखो भाई यहाँ पे ही बने हुए हैं काफी सारे, इनमें से एक ले लेते हैं। चलो भाई इसको लगाते हैं। इसमें ना अराउंड 10 लैंग्वेजेस है, बट हिंदी नहीं
है अपनी, तो इंग्लिश है, इंग्लिश में सुन सकते हैं। ये जो चैनल्स है ना, इसको प्लस माइनस करोगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और इससे वॉल्यूम अप डाउन होगी। चलो भाई रुकी गई बारिश, चलता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ से तो मजा नहीं आ रहा, नॉर्मल बस वाली फील आ रही है, ऊपर वाले डेक से ही असली मजा आएगा। रेड लाइट है अभी, इतने चलते हैं भाई ऊपर ही। हाँ रुक गई भाई बारिश तो, बट सीट्स वगैरह सारी गीली हो रही है और ऊपर भी कवर्ड वाला है ये, बट सारी सीट्स ऑक्यूपाइड है। कोई नहीं भाई, अपना काम चला लेंगे हम यहीं पे, मजा तो यहीं आने वाला है। भाई साहब कितना ऊंचा ऊंचा सा फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होके, देखना पूरी सिटी नीचे दिख रही है ऐसे। ओ भाई यार मजेदार एक्सपीरियंस है ये तो, बस के ऊपर ऐसे कितना ऊंचा फील हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पेड़ वेड़ है भाई, बैठ जाना चाहिए। एंड यहाँ पे भी वही सेम लगे हुए डिवाइसेस, इस पे लगा लेता हूँ। अच्छा ईयरफोन्स ना यही यूज कर रहे हैं, अगर आप बस से उतरोगे और किसी और बस में चढ़ोगे ना तो इसी ईयरफोन्स को लेकर जाना है। देखोगे ना भाई सारे के सारे घर बाहर से बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो है, सेम लाइन से लगे पड़े हैं। अंदर से हो सकता है इंटीरियर में चेंज हो, बट इनको कहते हैं भाई अपसाइड डाउनसाइड हाउसेस। तो बेसिकली ना इसमें दो सीढ़ियां होती थी, एक जाती थी भाई नीचे की तरफ यानी कि अंडरग्राउंड, और एक सीढ़िया जाती थी ऊपर की तरफ। तो फंडा क्या था उस टाइम पे, जो वर्कर्स होते थे ना, बावर्ची ड्राइवर वगैरह, वो सब रहते थे नीचे की साइड में, और जो ओनर वगैरह होते थे या हाई पोस्ट के लोग होते थे वो रहते थे ऊपर की तरफ में। तो मतलब एक तरह से भेदभाव ही हो गया, आप समझ सकते हो। एंड हर घर में ऐसी था भाई सेम टू सेम, और ये बीच में थोड़ा बहुत एरिया बना होता था जहाँ पे मतलब लोग आके बातचीत करते थे, चिल विल करते थे, काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग होती थी। एंड इस रेजिडेंस एरिया का ये पार्क है, देख रहे हो मतलब घर भाई साहब, ये आर्क बना हुआ है ऐसे लाइन से, कितने सारे घर है। अब ये घर बोल लो, अपार्टमेंट्स बोल लो, आपकी मर्जी है, बट ये वैसे एक एक इंडिविजुअल यूनिट है, जिन जिनकी सीढ़ियाँ अलग अलग दिख रही है ना, जैसे ये सीढ़ियाँ है तो अलग घर है, ये अलग घर है, वो अलग घर है, और इसी तरह से पार्किंग भी दे रखी है घरों के बाहर ही। ये देखो भाई नीचे भी ना प्रॉपर अपार्टमेंट बना हुआ है अंडरग्राउंड यहाँ पर, और ऊपर की साइड में एक दो तीन चार, चार फ्लोर्स हैं। और ये सब ना ऑडियो गाइड जो चल रही है ना वो समझा रहे हैं मुझे। और दूसरी चीज़, हर स्टॉप आने से पहले ना ये बोल देते हैं कि अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उतर सकते हो, बट मैं यहाँ क्या ही उतरूँ भाई, देख लिया यहाँ से, है ना। इसलिए अब बस चल चुकी है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा थोड़ा सा ना आपको इस सिटी के बारे में बता देता हूँ। अच्छा ये जो बाथ सिटी है ना भाई, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में पड़ती है, और ये फाउंड हुई थी भाई 1st century AD में बाय रोमन। तो उस टाइम पे ना रोमन यहाँ के जो नेचुरल स्प्रिंग्स थे ना उनको यूज करते थे एज अ थर्मल स्पा, और फिर 18th century में जाके ये सिटी ना प्रॉपर स्पा सिटी बन गई थी। तो इसलिए ना आपको इस सिटी में गली गली में स्पास देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ का सबसे जो फेमस बाथ है ना वो है रोमन बाथ। वहाँ पे अभी आप नहा नहीं सकते, बट अंदर जाके देख सकते हो कि उस टाइम पे रोमन जो थे वो कैसा बाथ यूज करते थे। तो मैंने उसी की टिकट ले रखे, जाके दिखाऊंगा आपको। और थर्मल स्पा के लिए शायद से मैं देखता हूँ, कोई ढूंढता हूँ छोटे मोटे जहाँ पे सस्ते में हो जाए भाई, ज्यादा पैसे नहीं लगाने। अच्छा भाई पूरे इंग्लैंड में ना बात ही एक लोती सिटी है जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है। यही रीजन है भाई कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं नेचुरल स्प्रिंग का मजा लेने के लिए। और ऐसा माना जाता है ये जो पानी है ना स्प्रिंग्स का भाई, इसमें ना काफी मिनरल्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जिससे ना काफी सारी स्किन की डिसीजेज और इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा भाई ये पूरी की पूरी सिटी ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एक लोती यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरे इंग्लैंड में। इस सिटी में ना आपको बहुत ही सुंदर जॉर्जियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में रोमन बाथ तो है ही, जिसकी वजह से ये सिटी फेमस है। चलते चलते हम देखो 7 नंबर से जो है यहाँ पर आ गए 15 और 14 नंबर के बीच में, तो इतना पार्ट कवर कर लिया। ये
आप देख रहे हो भाई यहाँ का फेमस पुल्टने ब्रिज, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही किया या नहीं किया, बट बहुत सुंदर ब्रिज है। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा ही सकते हो भाई कितने लोग आए हुए हैं। चलो जी चलो, सिटी का तो टूर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी एक और टूर है। एक्चुअल में दो टूर चलते हैं, सिटी टूर और दूसरा है स्काईलाइन टूर इसी टिकट में। तो मेरे को बस चेंज करके स्काईलाइन टूर लेना है, जिसमें ना सिटी के आउटर का घुमा के लाएंगे पूरा। तो सिटी का तो टूर मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल कितने 20 मिनट का रहा होगा, ख़त्म भी हो गया। अब वो वाला देखते, दूसरे वाला सही था लेकिन मज़ा आया। थैंक यू बाय। देखो ये जो रेड वाला आप पूरा मैप देख रहे हो ये सिटी टूर था, और ये ग्रीन वाला जो है ये है स्काईलाइन टूर। तो यहाँ चलते हैं, इसके लिए जाना हमें ये ग्रीन वाले स्टेशन पे, बी लिखा है ना जहाँ। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, कपड़े वपड़े खरीदने हो ना सस्ते में आप यहाँ से खरीद सकते हो, बट मुझे खरीदने भाई सोविनियर यहाँ से। कोई जो अपनी प्रथा चल रही है पिछले 3.5 महीने से, दो एक फ्रिज मैगनेट, दो पोस्ट कार्ड, तो होपफुली बात से रिलेटेड कुछ अच्छा सा मिल जाए। ओ भाई साहब ये मिल रहा है लंदन का, बट लंदन का तो मैं लंदन में ही लूंगा ना, यहाँ के लूंगा, यहाँ तो बात का लेना। ये है बात का देखो, बट मेटल में नहीं है ये, मेटल देखो लंदन के ही है सारे। ये क्या बात हुई भाई, बाथ में तो बाथ का बेचो ना, लंदन का क्यों बेच रहे हो। एक तो ये अच्छा लग रहा है मुझे बड़ा, क्वीन एलिजाबेथ 2 का। चलो जी ये मिल गया, अच्छा मेटल तो नहीं है बट वैसे सही है, वो टूटेगा भी नहीं। 2.99 पाउंड का, यानी 300 रुपए के आसपास। और ये पोस्ट कार्ड देखो भाई 3 पाउंड का है, यानी 300 रुपए का, बट हैंडक्राफ्टेड है लोकल आर्टिस्ट से, तो महंगा तो है बट सुंदर लग रहा है ना। और ये नॉर्मल वाले है भाई 50-60 रुपए में मिल जाएंगे। एक ये सही लग रहा है, एक ये सही है, पूरी सिटी दिख रही है आपको। ये लो ड्रोन शॉट ले लो। टोटल भाई 4 पाउंड में आ गया 400 रुपए में। और यहाँ भी भाई मैंने कार्ड से पेमेंट करी, बताओ 4 पाउंड तक के लिए साइन करवाए रिसिप्ट में, पता नहीं क्या पंगा है। चाहे 4 पाउंड की पेमेंट करो चाहे 400 पाउंड की, भाई साइन जरूर करवाते रिसिप्ट पे। ये लेफ्ट में आप जो भीड़ देख रहे हो ना, शायद से किसी स्कूल या कॉलेज का ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे। कॉलेज तो नहीं, स्कूल ही लग रहे हैं, छोटे बच्चे है थोड़े यार। एक ये बस आ तो गई है, जल्दी जाना पड़ेगा, पता नहीं ये सिटी वाली है या स्काईलाइन वाली है। चलो भाई जल्दी मिल गई है। और यहाँ पे ये ना मैप भी है, ये मैंने पहले नहीं लिया था, ये सही है, इसमें लिखा भी आता रहता है कौन कौन सी स्पोर्ट्स आने वाली है। एंड ऊपर भाई पूरी बस खाली पड़ी है, तो अब अपने को ये वाली सीट मिल जाएगी। फ्रंट में बैठने का अलग ही मजा है, देख रहे हो कितना तगड़ा नजारा आएगा पूरे रास्ते में। ये शीशा ना होता ना तो मजा आ जाता। बाहर का तो ये वाला स्काईलाइन वाला टूर इतना ही था, कुछ बताने लायक नहीं था, बस मैंने आपको नजारे दिखा दिए। और बारिश आ गई भाई, नीचे जाना पड़ेगा। ओहो ठंड लग रही है बड़ी तेज। ओ भाई साहब ये वाला देखो, ओपन हाउस सेंटर, कितना मस्त चर्च लग रहा है ना। 5:30 बजने में भाई 8 मिनट बचे हैं, फटाफट भाग रहा हूँ रोमन बाथ की तरफ। पास ही है 0.2 miles, यानी कि 5 मिनट का रास्ता। भाई साहब देखना कितनी भीड़ हो गई है इस टाइम पे, भरा पड़ा पूरा। लो जी लो भाई, फाइनली पहुंच चुका हूँ रोमन बाथ वाले एरिया में। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वींस बाथ पंप रूम है ये, एंट्रेंस थोड़ी आगे से होगी शायद। एंड इसी के जस्ट सामने ये देखो प्राइमार्क भी है भाई, और भी एक दो दुकानें हैं, दुकानें मतलब स्टोर है कपड़ों की। प्राइमार्क में ना भाई कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, और प्राइजेस भी ठीक ठाक से है, तो मैंने भी ले रखे हैं 2 बार कपड़े। एंड ये रोमन बाथ के लिए एंट्रेंस यहाँ से मिलेगी हमें, पंप रूम का लगा हुआ है ना जहाँ पे बोर्ड। अच्छा ये रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है, और वो सामने देख सकते हो आप बाथ की एंट्रेंस है। टिकट वैसे आपको यहाँ से भी मिल सकती है, बट रिस्क रहता है अगर स्लॉट खाली ना हो तो, उससे अच्छा ऑनलाइन बुक करना। स्कैन द क्यू आर कोड टू बाय टिकट, बट हमें खरीदना नहीं है, लाइन देखो। अपने पास ऑलरेडी टिकट है भाई, 28 यूरोस की ली थी मैंने, सॉरी यूरो नहीं पाउंड, मतलब 3,000 रुपए लगा लो। अच्छा 2 लाइनें हैं भाई यहाँ पे देखो, वो लाइन है जिनको टिकट खरीदनी है, और ये लाइन है छोटी वाली जिनके पास टिकट्स है। चलो जी चलो, अपने को एंट्रेंस मिल गई है। अभी ये एरिया नहीं है, इसके बाद आएगा एक एरिया, यहाँ पे तो सिक्योरिटी चेक हो रहा है। नीचे तो भीड़ लग रही है, बट मेरी नजर गई भाई ऊपर, ये देख रहे हो, ओहो एक तो ऊंचा इतना है, और क्या मस्त भाई सब डिजाइन बना हुआ है। तो भाई अंदर एक ये सेल फोन सा मिला, इसमें इंग्लिश में गाइड चल रही है पूरा, आप सुन सकते हो। और नीचे है ये देखो भाई बात का एरिया, वो चलो चलते हैं यहाँ से पुल क्रॉस करके अंदर ही अंदर से। बट ये सही चीज है भाई, कान में लगाओ मस्त सुनते जाओ पूरा। ऑडियो गाइड्स ना अच्छी होती है एक्चुअल में, मतलब आपको काफी चीजें समझ आ जाती है उस एरिया के बारे में या उस जगह के बारे में।
पानी भाई साहब ये इतना ज्यादा ग्रीन ग्रीन सा क्यों लग रहा है, पता नहीं गंदा है या क्या रीजन है, बट आग की मशाले वशाले अभी तक जला रखे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हो भाई सब स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं उसी जमाने के, ये कितने साल पुरानी बात है भाई, मतलब प्रॉपर विंटेज वाई भारी है। यहाँ से देखो काई वाई भी जम चुकी है, इतनी ज्यादा इसकी सफाई नहीं की जाती, जैसे ओरिजिनल था वैसे ही रखा जाता है। तो जितने भी स्टैचूज आपको दिख रहे हैं ना सारे के सारे रोमन गवर्नर्स के थे और ये ए से लेके आई तक है, सबके नाम भी लिखे हुए, जैसे ए जो है ये वाले, ये है भाई जूलियस सीजर के, इनका नाम तो 100% आपने सुना ही होगा भाई, हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक में थी पूरी स्टोरी। यार कितना सुंदर लग रहा है वैसे देखने में, है ना। चलो नीचे चलते हैं भाई, रास्ता शायद से यहाँ से निकलेगा कहीं पे। तो ये मिनिएचर वर्जन बना रखा है, जो ब्लू आपको दिख रहा है वो सारा पानी है। एंड यहीं पे भाई एक टेंपल भी हुआ करता था जो कि के कुछ इस तरह से लगता था उसका फ्रंट साइड, बट ये डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ अब पीसेस बचे हुए है देखो कैसे टुकड़ों में, ऐसा था जबकि। एंड ये ऑरेंज वाले सारे पार्ट्स ना उस टाइम पे रोमन एम्पायर के अंडर आते थे, देखो एशिया भी है यहाँ पे, मैसेडोनिया हम गए थे वो भी है, इटली भी है, देन ये ऊपर का ब्रिटेनिया जो लिखा हुआ है, यानी कि ब्रिटेन। फोर्थ सेंचुरी एडी में ना कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स लगता था, वो मैंने आपको गेट दिखाया था ना, जो देखो टेंपल है वो सामने, ऑरेंज लाइट जल रही है जिसमें से, और ये पूरा बाथ का एरिया है। क्या मस्त लग रहा था भाई साहब, है ना, अगर ये आज प्रिजर्व होता प्रॉपरली तो तगड़ा ही लगता। तो उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स थी ना उनके भाई बचे कुछ रिमेन्स बचे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। बताओ एक टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, कुछ इस तरह से बनी हुई थी, एंड ये वो टेंपल है। तो जहाँ जहाँ से इनको चीजें मिली वहीं पे इन्होंने रखी हुई और उसी के ऊपर बिल्डिंग बना दी, ताकि लोग देख सके कि उस टाइम पे कुछ ऐसा दिखता था, मतलब ऐसा तो नहीं यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है वैसा दिखता था। उस टाइम पे पानी में ना ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स फेंके जाते थे गॉड को ऑफर करने के लिए, अलग अलग तरीके के बीकर्स है, बाउल है, प्लेट्स है बड़ी बड़ी। ये देखो भाई सब पता नहीं क्या, ये तो कंगे वगैरह। ये वाली तो नई दीवारें है भाई पूरी, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना ये सब पुराना ही है अभी, मतलब इसको चेंज नहीं करा गया। और यहाँ पे सारे भाई कॉइन्स है जो स्प्रिंग के अंदर से निकले थे इन सालों में, ये देख सकते हो भाई लाइन वाइज कैसे कैसे है देखना। ओ भाई साहब कितना यूनिक लग रहा है, इस सारे में जो है वो गॉड गॉडेसेस की फोटोज बनी हुई है लाइन से बहुत सारे, और नीचे देखो भर भर के है भाई सिक्के। ओहो, एंड अब फाइनली जा रहे हैं हम द ग्रेट बाथ की तरफ, लेट्स गो भाई। यहाँ तक पानी की आवाज आ रही है भाई, ओहो कितना रिलैक्स। तो ये जो ओवरफ्लो है ना पानी स्प्रिंग का, ये भाई काफी ज्यादा ना सेक्रेट माना जाता है, मतलब कि लोग पूछते थे, और ये बहुत गर्म है, अराउंड 46 डिग्री सेल्सियस इसका जो है टेम्परेचर है, जब ये आप देख सकते हो भाप निकल रही है और मेरे को यहाँ तक गर्मी फील हो रही है। वॉशरूम भी बने हुए हैं, और ये है वो नीचे वाला एरिया जो मैं आपको दिखा रहा था जिसका नाम है द ग्रेट बाथ, लेट्स गो भाई। ओहो दिखने में कितना सा सुंदर लग रहा है ना। वो ऊपर थे भाई, हम ऊपर से अंदर पूरा घूमते घूमते नीचे आ गए हैं यहाँ पर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है, हाथ लगा सकते हैं क्या, कोई लगा नहीं रहा यार, सब लोग बैठे तो हुए बट हाथ नहीं लगा रहा कोई। चलो यहाँ बैठ जाता हूँ फिर चुपके से लगा लूंगा, कर ही लेता हूँ भाई चेक गर्म है कि ठंडा है। ओ हाँ यार कोसा कोसा है, मतलब जिस हिसाब से टेम्परेचर हो रहा है बाहर ठंडा, उतना ठंडा पानी नहीं है, उसी झरने में से ये पानी आ रहा होगा, फिर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है इसलिए ठंडा हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही चिल्ड पड़ा भाई, कोसा कोसा सा है यहाँ पे। ये
कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, नो कार्व्ड स्टोन्स रखे हुए हैं ग्रेट बाथ में से। तो ये तो भाई बड़े वाला कॉमन बाथ है, लेकिन यहाँ पर एक और बाथ बना हुआ है जिसका नाम है ईस्ट बाथ। वो अंदर कमरे में जाके वो दिखाता हूँ भाई, अंदर शायद हो सकता है कि यहाँ पे आदमी लोग नहाते हो, अंदर ये जो कवर्ड एरिया इनमें औरत लोग नहाती हो, औरत हाँ औरत ही। छोटा सा ही है भाई ये, बट इसमें अभी पानी नहीं है इस टाइम पे, यहाँ से आता होगा, सप्लाई बंद कर रखी है। यहाँ तो पूरा अंधेरा है भाई, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा बाथ है जो सूखा पड़ा है पूरा, काफी बड़ा बना हुआ है यार लड़कियों के लिए भी अंदर ना ये पूरा कवर्ड में, ताकि प्राइवेसी रहे, बट पानी यहाँ का रोक रखा है सारा। एंड यहाँ देखो मूवी की तरह भी चल रहा है प्रोजेक्टर में, तो यहाँ पे बेसिकली स्पा दिया जाता था, यानी मसाज भी थी भाई। बाकी इधर की साइड भी ये छोटे छोटे बने हुए है, इधर भी बना हुआ है, काफी सारे है भाई ये देखो, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ बना हुआ है। यहाँ भी मूवी चला रखी है, दिखा रहे है की लड़कियां नहाती थी उस टाइम पे यहाँ पे। जैसे की मैंने बताया था भाई, इस पानी में काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, तो एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता था ये बात। यहीं पे एक कैफे भी बना हुआ है, ड्रिंक्स वगैरह लेनी हो आप लेके फिर यहाँ बैठ के आराम से पी सकते हो, काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं पता कि अल्कोहलिक भी है या फिर खाली नॉन अल्कोहलिक मिल रही है। चलो भाई यहाँ के टूर के लिए इतना ही था, अब एग्जिट लेते हैं हम, ये क्या चीज है पहले ये देख लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर। ये सब देख रहे हो भाई बहुत पुराना है, ये सब कुछ प्रिजर्व किया हुआ ढंग से, अंदर ही अंदर ये देखो गुफा बनी हुई है। ओ जिम है ये तो भाई, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज कर रही है लड़कियां। ये कैसी एक्सरसाइज है भाई, कैच कैच खेल रही है बताओ। हाँ ये होती है ना एक्सरसाइज, ये देखो डंबल उठा रही। तो उस झरने में से ना पानी यहाँ से निकलता हुआ फिर इस वाले बाथ में आता था, बट ये पीने के लिए नहीं है क्योंकि देखो लिखा हुआ है अनट्रीटेड है, तो ड्रिंक नहीं करना भाई और टच भी नहीं करना है जबकि गर्म है। एंड यहाँ पे देखो भाई जो स्प्रिंग से पानी आ रहा है ना उसको ट्रीट करके इसमें पी सकते हो आप, गर्म है भाई साहब। इसका तो टेस्ट ही अलग है पूरा, है गर्म बट बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि इसमें काफी भाई मिनरल्स वगैरह होते हैं इसलिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है। बाकी जो हमें वो मोबाइल फोन से मिले थे वो यहाँ पे जमा करवा दिए और खत्म हो गया टूर, एग्जिट कर रहे हैं। चलो जी बाहर आ गया हूँ और मुझे लग रहा है यार यहाँ पे इतनी ठंड है तो आगे स्कॉटलैंड में तो पूरी चिल्लिया मच जाएगी, एक दो जैकेट या फिर ना कुछ देख लेता हूँ यार, हुडी वगैरह। तो प्राइमार्क ही चलते हैं, मुझे सही लगता है भाई कलेक्शन अच्छा आया होता है इनके पास विंटर्स का हो बस, क्योंकि गर्मियों के कपड़े तो बहुत मिल जाते हैं, विंटर्स के नहीं मिलते जल्दी से। यार ये कह रहे हैं कि 15 मिनट में स्टोर बंद होने वाला है, जो देखना जल्दी जल्दी देख लो, अब इतनी जल्दी जल्दी में क्या ही देखूं भाई। ओह शर्ट कूल लग रही है ना ये, 16 pound की है भाई साहब, 1700 rupees। कार्गोज यहाँ अच्छे मिल जाते हैं भाई, 1000-1000 rupees के है, देखो कितने सही लग रहे हैं ना, बट साइज यहाँ पे मिल जाएगा तो है भी जल्दी जल्दी करने का ना, इसलिए भाई साहब समझ नहीं आ रहा क्या। एक ये स्वेट शर्ट अच्छी लग रही है भाई, लार्ज साइज है, कितने का है, 14 pound 1400 rupees की, ठीक है ना। ट्राई करने का तो टाइम है नहीं भाई, जो मुझे लग रहा है कि फिट आ जाएगी बस वही उठा रहा हूँ। नाइस यार ये भी अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर में लार्ज साइज मिल गया, चलो फिर से अनाउंसमेंट होगी भाई। चलो ओ भाई ये भी कूल लग रही है, ले ली भाई ये भी, ठीक है यार जल्दबाजी में अब यही समझ आई, अब लार्ज साइज लिया तीनों का, होपफुली बड़ा ना हो जाए ज्यादा। वैसे तो ओवर साइज का आजकल ट्रेंड है तो इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, स्टिल इनकी पॉलिसी होती है 28 या 29 days में आप प्रोडक्ट रिटर्न या रिफंड भी कर सकते हो, ठीक है, बस पर ये ना हो कि इसी प्राइमार्क से खरीदा तो यहीं पे करना पड़े। लड़कियों का ज्यादा अच्छा कलेक्शन है भाई साहब, एक से एक कपड़े मिल जाते हैं लड़कियों के, लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होते। बिलिंग करवाते हैं जल्दी से चल के भाई, लाइन ना लगी हो, लंबी नहीं लगी हुई शुक्र है। टोटल भाई 46 euros का बिल बना, यूरो नहीं पाउंड, मुंह से ना मेरे यूरो निकले जा रहे, इतने दिन से आदत हो गई ना, तो पाउंड 46 कितने हुए मेरे ख्याल से 4800 rupees सही है, 4800 में 3 sweatshirts मिल गई। अब अपना स्कॉटलैंड का तो काम हो जाएगा, चलो इनसे लिटरली भाई 80 से 90 seconds में मैंने शॉपिंग करी है तीनों चीजों की, बिलिंग टाइम हटा दिया जाए तो। यार किसी स्पा जाने का मन तो था बट मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया, ब्रांड की वीडियो शूट करके देनी है तो होटल जाना पड़ेगा, वरना अंधेरा हो गया तो रूम में भी ना अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, शूट नहीं हो पाएगी। अभी हालांकि 6:30 बजे है, 2-3 घंटे है अंधेरा होने में, बट मुझे उतना ही टाइम लगने वाला है भाई वीडियो को शूट करने में, इसलिए जल्दी निकल लेता हूँ, कुछ खाने के लिए पैक करवा लेता हूँ। मैंने बताया था आपको इंडियन रेस्टोरेंट तो भर भर के है यहाँ पे, तो कुछ खाना पैक हो जाएगा रात को, फिर 9-10 बजे होटल में ही खा लूंगा। अगर तो मेरा काम जल्दी निपट गया तो भाई मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा सिटी सेंटर में अपना किसी स्पा में, अगर खुले होंगे तो 9-10 बजे तक, नहीं खुले होंगे तो कोई। ये मिल गया सामने देखो, चलते चलते 2 मिनट में ही टेम्पटेशन इंडियन कुजीन भाई सब, इतने रेस्टोरेंट है ना यहाँ इंडिया के क्या बताऊँ बस आपको, देखते हैं महंगा सस्ता है। चलो भाई खाना पैक करवा लिया, 20 pounds 2000 rupees के आसपास का, चावल थोड़े से एक्स्ट्रा करवा लिए, सुबह भी काम आ जाएंगे। और ये लास्ट बार देख लो भाई यहाँ की स्ट्रीट्स को कितनी मस्त लग रही है, एंड दूसरी तरफ भी देख लो, वैसे तो मुझे उधर ही जाना है ऊपर है ना अपना होटल, क्योंकि उतरते टाइम तो भाई मजे मजे में उतर गया, अब चढ़ने में हालत खराब होगी, इतना ऊपर जाना है लगभग 1 kilometer है। देखो ये वही सारे घर है जो मैंने आपको बस से दिखाई देना, नीचे भी सीढ़ियां जा रही है ऊपर भी, इधर भी भाई लाइन से सेम टू सेम घर है पूरे के पूरे। ये वाले भी देख लो भाई, सही लगता है यार है ना ऐसे बाहर से सेम सेम हो ना पूरी कॉलोनी अच्छी दिखती है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो किसी ने भाई पिंक कलर का करवा रखे, किसी ने ग्रीन
करवा रखे, किसी ने येलो करवा रखे रंग, ऐसा रहे ना एक ही सिंपल सा कलर तो मस्त लगता है एकदम से। अभी भाई दो तीन दिन पहले ना हम पेरिस में ही थे और मैं एफिल टावर ही गया था, और अभी अभी न्यूज आई है कि वहाँ पे जो है वो बॉम्ब की धमकी दी गई है। एफिल टावर में ना बॉम्ब लगा दिया किसी ने और उसकी वजह से भाई पूरा एफिल टावर जो है वो खाली करवा दिया, तीनों के तीनों फ्लोर, एफिल टावर भी और साथ में जो आसपास का एरिया था नीचे का कोर्टयार्ड था वो सारा खाली करवा दिया भाई 2 घंटे तक। फिर वो जो पुलिस के साथ टीम आती है बॉम्ब वाली, वो आई, उन्होंने चेक किया, पता चला था कि फेक न्यूज थी, मतलब कोई बॉम्ब नहीं है। बट फिर भी भाई कैसी भगदड़ मच गई होगी ना जल्दबाजी में निकाला होगा। अच्छा हम टाइम से निकल लिए वहां से, मतलब हमारी डेट नहीं पड़ी वो एफिल टावर जाने की, हाँ सड़गी बहुत बुरी वाली चलते चलते ऊपर से बोलते बोलते। अरे यहाँ भी मिलते हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये देखो, पर ये ब्रांड कौन सा, मैं हाँ वही VOI यार यही कर लेता मैं, चलो कोई नहीं अब तो पहुंचने वाले हैं। लोगों के जो घर में जा रहा है ना भाई रास्ता वहां चढ़ गया था मैं गलती से, नीचे उतर रहा हूँ अब यहाँ से जाऊंगा। अबे यार ये बस जाती है ऊपर तक भाई, इसी में चढ़ जाता मैं, बट टिकट नहीं थी मेरे पास, और यहीं चलते चलते ये देखो करीब महल करके भी रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट तो लिटरली मेरे होटल से सिर्फ 10 कदम की वॉक पे, नहीं 10 कदम तो ज्यादा बोल दिया मैंने, कम बोल दिया मतलब थोड़ा सा ज्यादा। कितना सुंदर एरिया है यार, मतलब यहाँ रहने का अलग ही मजा है, हालांकि बिल्कुल खाली हो गया 6:30 बजे सुनसान, बट स्टिल भाई रहने का बहुत मजा आएगा यहाँ पे, है ना शांति, हवा इतनी साफ है, ग्रीनरी चारों तरफ, पेड़ ही पेड़। एंड ये देखो भाई लैंसडाउन के नाम से यहाँ पर एक क्लिनिक भी बनी हुई है, और मैंने बताया था ना भाई उत्तराखंड में भी लैंसडाउन करके एक जगह है काठ गोदाम के वहाँ पर, तो वो भी इन्हीं के नाम से रखा गया है। ये देखो भाई रोड का नाम भी लैंसडाउन, लैंसडाउन ना एक्चुअल में 1888 में इंडिया के वाइस रॉय थे। अब ये नहीं पता मुझे यहाँ पे लैंसडाउन वही लैंसडाउन है या फिर अलग है, क्योंकि इंडिया का जो लैंसडाउन है वो तो उन्हीं के नाम पे रखा गया था। यहाँ देखो भाई घर के बाहर भी लैंसडाउन टेरेस लग तो रहा है मुझे भाई, उन्हीं के नाम पे ही रखा हुआ है सब कुछ। इधर पहाड़ के ऊपर भाई ज्यादा ठंडा है और हवा भी बहुत चल रही है यहाँ पे, और ये सामने आ गया अपना भाई होटल। ओ भाई साहब खस्ता हालत हो गई, होटल में पोर्शे आई हुई है भाई, BMW है, इधर सामने भी देखो मर्सिडीज। छोटी मोटी गाड़ियों में तो भाई लोग यहाँ पे डील ही नहीं करते समझ लो, बड़ी बड़ी गाड़ी है सबके पास। तो जो रिसेप्शन पे भाई है ना, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे सबका इतने घरों का रोड का नाम लैंसडाउन क्यों है, तो उन्होंने बताया एक्चुअल में ये जो पूरी रोड थी ना भाई वो एक फैमिली के ही ओन थी, मतलब उन्हीं की थी वो, जिनका सरनेम लैंसडाउन होगा, तो इसी रीजन की वजह से इस होटल का नाम लैंसडाउन है, स्ट्रीट का नाम लैंसडाउन है, घरों का नाम लैंसडाउन है। अब पता नहीं उनकी है या नहीं है, बट नाम चलता हुआ आ रहा होगा। और ये टी शर्ट कैसी लग रही है बताना, ये भी मैंने प्राइमार्क से ही ली थी और आज भी ले लिए तीन कपड़े। बाकी ये होटल की लॉबी है भाई, लिफ्ट से उतरते ही ये रहा अपना कमरा, बट यहाँ पे ना की कार्ड नहीं है भाई, चाबी है, इस तरह से खोलना पड़ता है। बताओ बाहर इतना चिल्ड हो रहा है, अंदर आते ही गर्मी लग रही है, थोड़ा सा चल के भी आया हूँ इसलिए शायद से, और अभी भी रोशनी हो रही है भाई, तो अपनी वीडियो जो है ना वो शूट हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर खाना खा के देखता हूँ किसी स्पा में अगर बुकिंग मिलती है तो। पर सच भाई ये 2 खिलौने भी तो अनबॉक्स करने हैं अभी, मुझे ही पता है भाई इतने दिन से मैंने कैसे अपने आप को रोक के रखा इन्हें अनबॉक्स करने से, बट आज नहीं रोकूंगा भाई, बस ब्रांड का शूट होते ही फटाफट से फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखो भाई इस तरह से सेटअप बनाया है, वहां का जो डाइनिंग टेबल था उसको यहाँ लगा दिया, और नीचे ये टिक नहीं रहा था तो ड्रोन और गिम्बल के डब्बे से अटका दिया। अब फोन जो है यहाँ लग जाएगा और शूट हो जाएगा। एक्चुअल में इस चैनल के लिए नहीं है, मेरे जो टेक चैनल है ना अनमोल जायसवाल, नहीं चेकआउट किया तो करना भैया, उसमें मस्त मस्त गेमिंग और PC बिल्ड्स की वीडियो डालता हूँ मैं, लिंक डाल दूंगा, या YouTube पर सीधा टाइप कर लेना अनमोल जायसवाल, मेरे नाम से ही है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसमें भी हो चुके हैं अभी कुछ टाइम पहले ही, तो उसके लिए एक ब्रांड आया है वो शूट करना है भाई। बताओ इंडिया में टीम बाकी बचा हुआ काम कर देगी एडिटिंग का, और जो बी रोल्स है टेस्टिंग है, और मैं यहाँ पे फेस टू फेस वाला कर दूंगा काम, तो ऐसे काम चलता है ट्रिप्स पे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो ये था भाई फ्रेम शूट के लिए, और शूट हो भी गया 20 मिनट में, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा बट जल्दी जल्दी निपटा दिया। अभी वो अनबॉक्सिंग करने के लिए डब्बे हटाने पड़ेंगे, तो ये सेटअप तो नहीं बन सकता, कहीं और जुगाड़ देखना पड़ेगा। चलो पहले थोड़ी आसान अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गिम्बल की, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही कंपोनेंट है अंदर। ये ना भाई DJI का बिल्कुल लेटेस्ट गिम्बल है मोबाइल के लिए, इसके बाद कोई मॉडल नहीं आया, ओस्मो 6 देख सकते हो आप, पीछे थोड़े बहुत फीचर्स लिखे हुए इसके। बाकी एक ऐप भी आती है DJI की कैमरा के लिए, जो देखूंगा मैं, अगर यूजफुल हुई तो ठीक है, वरना अपना जो आईफोन की नॉर्मल ऐप है ना कैमरा की, मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है वो। DJI भी ना पैकिंग के मामले में भाई एप्पल को टक्कर देता है पूरा, मतलब प्रीमियम पैकेजिंग लगती है इनकी। ये देखो सेम टू सेम ना ऐसे ही देता है सील खोलने के लिए, इसको पकड़ा और खुल गया। लो चलो जी, चलो लेट्स गो। ऊपर पहले ये एक्सेसरीज होगी कुछ, इसमें केबल वेबल, देन भाई अंदर सीधा गिम्बल निकलता है, जिसको मुझे थोड़ा असेंबल करना पड़ेगा। ये मोबाइल होल्डर है जिसमें मोबाइल फिट करके गिम्बल में लगेगा। टेक वाली चीजें खरीद के भाई एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है अनबॉक्सिंग करते टाइम, नए नए गैजेट की खुशबू ही अलग है भाई। ज्यादा डीप में नहीं रखेंगे भाई, वरना पता चले टेक चैनल लगे ये वाला ब्लॉगिंग चैनल है। 2 कलर में आता है, सिल्वर और ब्लैक, मैंने ये सिल्वर लिया, सिल्वर है दूसरा या व्हाइट है पता नहीं, बट ये ब्लैक अच्छा भाई, गंदा नहीं होगा जल्दी। ओ भाई साथ में देखो स्टैंड भी दिया ट्राईपोर्ट की तरह, तो इसके नीचे लगा के हम इसको ना ऐसे रख भी सकते हैं कहीं पे, तो मैं सीखता हूँ अभी, मैंने तो यूज किया नहीं कभी गिम्बल,
फर्स्ट टाइम है मेरा, तो थोड़ा वीडियोस देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे। बाकी इसके अंदर भाई एक कवर है, कवर या पाउच कह लो, एक चार्जिंग के लिए टाइप सी टू नॉर्मल यूएसबी केबल है, बस इतना ही है भाई, और कुछ नहीं मिला। हो गई अनबॉक्सिंग कंप्लीट। अब चलो अनबॉक्सिंग करते हैं अपने DJI के मिनी 3 प्रो की। अभी होटल रूम में यार लाइटिंग अच्छी नहीं होती, तो जैसा जुगाड़ बन रहा है ना बस मैं कर रहा हूँ। अपने इंडिया में होते तो प्रॉपर स्टूडियो में बैठ के भैया मस्त ऐसे बैकग्राउंड वैकग्राउंड सजा के फिर करता अनबॉक्सिंग, तो अभी तो ठीक है जैसा हो रहा है चलते हैं। अरे भाई ये स्पॉट मस्त है भाई, बैठ के आराम से अनबॉक्सिंग, और बाहर की रोशनी भी आ रही है। तो ड्रोन ही करते हैं पहले, तो फिर उसके बाद ये फ्लाई मोर कॉम्बो जो है, हाँ मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। वो ही भाई सिंपल पैकेजिंग है, बस जरा सा ये हटाना है और खुल गया। लेट्स गो भाई। खोलते ही सबसे ऊपर तो अपना मेन ड्रोन मिल गया। कसम से भाई अलग ही फ्रेग्रेंस आती है नए नए प्रोडक्ट में, और ये ड्रोन सिर्फ एक ही कलर में आता है, ये वाले में आई गेस ग्रे है ये। एंड इसी के नीचे भाई इसका कंट्रोलर है। ओ भाई साहब क्या सही लग रहा है देखना यार, पूरा फोन ही फिट कर दिया ऐसा लग रहा है। फोकस नहीं कर रहा ढंग से हमारा कैमरा, सही है यार ऐसे ना मजेदार एकदम से, मस्त पकड़ने में भी सही है, और फोन लगाने के टेंशन नहीं, सबसे मेन तो वो है। पीछे इसके ट्रिगर्स दे रखे ये रे, अगर ये खो गए तो फिर तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी। वैसे इंडिया में पार्ट्स नहीं मिलते DJI के जल्दी से। जो मिनी सीरीज है ना भाई ये 250 ग्राम से कम है, एग्जैक्ट बताऊं तो 249 ग्राम है, तो वेट की वजह से ना काफी जगहों पे इसको लेके ना रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। कम क्या, ना के बराबर ही है। हालांकि आप मिलिट्री बेस, पुलिस स्टेशन या फिर ऐसे सिटी सेंटर या एयरपोर्ट के पास नहीं उड़ा सकते कोई भी ड्रोन, लेकिन वैसे ये जो 249 ग्राम वाला कैटेगरी है ना, इसमें आपको कोई भी ड्रोन पायलट का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ये अच्छी चीज है। तो इसलिए मिनी सीरीज ना बहुत पॉपुलर हुआ यूट्यूबर्स के बीच में, और अब तो इन्होंने भाई साहब ऐसे ऐसे फीचर्स दे दिए, मजा सा आ गया, और डिजाइन भी बिल्कुल छोटू सा कॉम्पैक्ट। इसमें तो यही था बस, ये डब्बी है जिसमें भाई प्रोपेलर्स दे रखे है एक्स्ट्रा और केबल है बस। अब करते हैं भाई फ्लाई मोर कॉम्बो की अनबॉक्सिंग। वही सिंपल सील हटाई एंड खुल भी गया। तो इसमें तो सबसे पहले एक भाई बैग मिल जाता है जो ट्रैवलिंग में बहुत यूज आता है, छोटू सा बैग है, इसी में कंट्रोलर ड्रोन बैटरी चार्जर सब कुछ फिट हो जाता है मस्त। अबे डब्बा खाली है, बैग के अंदर ही सामान दे दिया इन्होंने सब। इस बार बैग की क्वालिटी भी अच्छी है, पता नहीं लेदर है क्या है बट अच्छा है। ये देखो भाई ये तो है चार्जर, एंड चार्जर के अंदर ही दोनों बैटरियां दे रखी है जो फ्लाई मोर कॉम्बो में मिलती है, और एक बैटरी ड्रोन के साथ, यानी कि टोटल 3 बैटरी है। तो एक बैटरी आई गेस 25 मिनट का तो बैकअप दे ही देती है, तो 3 बैटरी भाई सही है, 75 मिनट एक घंटे से ऊपर का हो ही जाते हैं शॉर्ट्स इतने में तो, और अगर खत्म हो जाए तो फिर चार्ज पे लगा दो। बाकी ये एक प्रोपेलर्स का सेट मिला एक्स्ट्रा, बस भाई यही है इसमें तो खाली। अच्छा नहीं केबल भी है चार्जिंग की टाइप सी टू नॉर्मल यूएसबी। बस इतनी सी अनबॉक्सिंग थी, अब मैं जरा समझ लूं, ऐप डाउनलोड कर लूं, सेटअप कर लूं, ताकि स्कॉटलैंड में तगड़े तगड़े ड्रोन शॉट्स आए। बाकी वैसे मैंने ड्रोन यूज करा है 2-2.5 साल, तो मुझे पता है उड़ाना भी अच्छे से आता ही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा लेटेस्ट है, तो हो सकता है 1-2 सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस हुए हो, बट वो मैं समझ जाऊंगा, 15 मिनट का काम है। बट भाई फाइनली आज चलो अनबॉक्सिंग कर ही ली, इतने दिन से रह रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई अनबॉक्सिंग करके ना मैं फुटेज ट्रांसफर कर रहा था, और ट्रांसफर करते करते सो गया, पता ही नहीं चला। और आज सुबह फिर 3:30 बजे आंख खुली, फटाफट से एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड करी, हमने वगैरह बनाया, 4:30 बजे तक लाइव हो गई, क्योंकि यहाँ से और इंडिया के टाइम में 4.5 घंटे का फर्क है। तो मतलब मुझे अगर इंडिया के 9 बजे लाइव करनी है ना वीडियो, तो भाई यहाँ के 4:30 बजे डालनी पड़ती है सुबह, जो कि मैं एक रात पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ वैसे तो, बट कल रात सो गया तो इसलिए कर नहीं पाया। सुबह अच्छा हुआ भाई आँख खुल गई, मैं तो जादू देखो भाई 3:30 बजे खुली, एग्जैक्ट 1 घंटा था वीडियो लाइव होने में, बट हो गया काम, तो इसलिए स्पा वगैरह तो जा नहीं पाया। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।